नमस्कार, वेलकम टू इंडियन एविडेंस एक्ट क्लासेस। इससे पहले हम 5 सेशन कर चुके हैं। 6th सेशन जो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, मतलब इंटरप्रिटेशन क्लॉज में अब हम एंटर कर रहे हैं। बहुत कम यहाँ पर डेफिनेशन दिए हुए हैं और इन कंट्राडिक्शन टू सीआरपीसी, सीआरपीसी में क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके आपको याद करना पड़ता है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है विदाउट सबसेक्शन ए बी सी डी, सो इसलिए इसमें लर्न करने का कोई झंझट नहीं है और डेफिनेशन भी जो है वो लिमिटेड है। इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। सो जनरल व्यू में इसका मीनिंग क्या होगा वो एक एक करके हम समझते हैं। कोर्ट, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। सो कोर्ट का मतलब ये, अगर आप आज तक ये समझते रहो तो कोर्ट का मतलब वो एक वो बाउंड्री वॉल होता है, एक वो बिल्डिंग होती है, एक वो हॉल होता है, मुझे लगता है कि वो चीजें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कोर्ट का मतलब है कोर्ट इंक्लूड्स जजेज एंड मजिस्ट्रेट्स हु आर ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। वो मजिस्ट्रेट साहब, वो जज साहब जो एविडेंस लेते हैं उनको कोर्ट कहते हैं, और इसीलिए कोर्ट का डिसीजन मतलब जज साहब का डिसीजन। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कंटेम्प्ट ऑफ जज साहब। तो जहां जहां भी कोर्ट शब्द यूज होता है कोर्ट का मतलब जज साहब होता है, मजिस्ट्रेट साहब होता है, बिल्कुल मन में बैठा लीजिए। यहां पर कोर्ट का मतलब जज साहब होता है, मजिस्ट्रेट साहब होता है। कोर्ट का मतलब दैट इज फोर वॉल ऑफ द बिल्डिंग नहीं है, प्रीमाइसेस नहीं है। फैक्ट, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। हमारे पास क्या क्या सेंसेस हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इन सब तरीके से जब हम अपने अपने सेंस ऑर्गेन से जब किसी भी चीज को फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसको हम फैक्ट कहते हैं। प्लस एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, ऐसी कोई भी मेरी मानसिक स्थिति जिसके बारे में मैं सचेत हूं, मुझे पता है मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज ऑल नोन एज फैक्ट। अगर ऐसा कहा जाए कि फैक्ट मीन्स वो सब कुछ जो कुछ आप देख सकते हैं, जो कुछ आप सुन सकते हैं, जो कुछ भी आप महसूस कर सकते हैं, मतलब जो एग्जिस्टेंस में है उसको फैक्ट कहते हैं। आपका नाम मोहन है ये फैक्ट है, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं ये फैक्ट है, आप इंडियन सिटीजन है ये फैक्ट है, आपके दो बच्चे हैं ये फैक्ट है, आप राजधानी एक्सप्रेस में ट्रेवल करते हैं ये फैक्ट है। मतलब जो कुछ भी रियल चीजें हैं, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग, बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। तो जो कुछ भी हम सेंसेस से समझ सकते हैं वो सारे फैक्ट के अंदर आते हैं। तो आज से जब भी हम फैक्ट की बात करेंगे तो वो सारी चीजें जो प्रैक्टिकली फिजिबल दिख रहा है, महसूस हो रहा है, जो है, जिसका एग्जिस्टेंस है, उसको हम फैक्ट कहते हैं। इलस्ट्रेशन देखते हैं, दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन सर्टेन ऑर्डर इन दैट सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी एक स्थान पे ठीक तरीके से सजाई गई है, आपने देख लिया, हाँ ये डिब्बे बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है, दैट इज अ फैक्ट। दैट अ मैन हैड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट। अगर आपने कुछ सुना या आपने कुछ देखा, आपने कहीं पे कुछ आवाज सुनी कुछ क्राइम होने की, या आपने कहीं क्राइम होते देखा, ये सब फैक्ट में आता है। दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट, दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट। मैं कुछ कह रहा हूं और आप उसको सुन रहे हैं, जब तक आप नहीं सुन रहे ये फैक्ट नहीं है, मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं,
मैं कुछ दिखा रहा हूं और आप देख रहे हैं, ये फैक्ट है, वन वे नहीं है, बोथ वे है ये। दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, आपके पास कुछ ओपिनियन है, आइडिया है, व्यूज है, कुछ इंटेंशन है, कुछ फेथ है, ये सारे जिसको सेंसेस से हम सेंस कर सकते हैं वो फैक्ट के अंदर आता है। दैट अ मैन हैज अ सर्टेन रेपुटेशन इज अ फैक्ट, किसी के अच्छे रेपुटेशन होते हैं, कोई नोटोरियस रेपुटेशन वाला होता है। तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो हमारा थिंकिंग है, ये भी एक फैक्ट है। ये फैक्ट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एविडेंस एक्ट में हम फैक्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, दो ही फैक्ट हम पढ़ेंगे, फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट, इसलिए फैक्ट को जानना जरूरी है। तो जो कुछ भी इस धराधाम पे फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्टेंस में है, प्लस जो कुछ भी मेरे मेंटल कंडीशन से मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, मतलब फिजिकल भी और मेंटल भी, वो सारे चीजें फैक्ट में आती हैं, सब कुछ फैक्ट में आता है। रिलेवेंट, वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रिलेवेंट कब हम बोलते हैं, जब एक चीज दूसरे चीज से कनेक्टेड होती है, जुड़ी होती है। जो भी आपका स्टेटमेंट है कनेक्टेड होना चाहिए किस चीज से, जिस बात को आप कहना चाहते हैं। अभी आप ये कहना चाहते हैं कि मैं यहां से अपनी गाड़ी से मैं कोयम्बतूर जा रहा था कि अचानक यहां पर ऐसे ऐसे हुआ, तो ये कनेक्टेड हो गया, ये अनकनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्टेड नहीं है। तो जो सारी बातें जो एक दूसरे से लिंक रखती हैं, कनेक्टेड होती हैं, उन सबको हम रिलेवेंट कहेंगे। और लॉ एविडेंस में रिलेवेंट बातें ही हम पढ़ते हैं, रिलेवेंट बातें ही हम समझते हैं, कोर्ट रिलेवेंट बातें ही सुनती है। अब इससे पहले हमने देखा था फैक्ट, अब यह सामने आ गया फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या है ये जानना नितांत आवश्यक है, समझना बहुत जरूरी है। The expression fact in issue means and includes any fact from which it either by itself or connected with the other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. ये legal language है, ऐसे ही लिखा जाता है। साधारण भाषा में आप ये समझ लीजिए कि fact in issue का मतलब होता है झगड़े की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन। फैक्ट इन इशू का मतलब ये होता है कि क्या चीज ऐसा है जिसके चलते दोनों में डिस्प्यूट है। मोहन बोल रहे हैं कि ये लैंड मेरा है, सुवन बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये लैंड मेरा है, दोनों में डिस्प्यूट हो गया, ये फैक्ट इन इशू हो गया। मिस्टर ए बोल रहे हैं कि ये टिकट मेरा है और उसी टिकट को मिस्टर बी बोल रहे हैं नहीं ये टिकट मेरा है, दैट इज फैक्ट इन इशू। टीटी ने बोला आपके पास टिकट नहीं है, आप बोलते हैं मेरे पास टिकट है, तो टिकट है कि नहीं है दिस इज अ फैक्ट इन इशू। उसको कैसे प्रूव करेंगे, ये बात की बात। तो जो कुछ भी कोर्ट ऑफ लॉ में किसी का मर्डर हो गया, चाकू से हुआ, 50 बार मार करके हुआ, 10 लोगों ने घर घेर करके किया, ये सब फैक्ट इन इशू हो गया, ये प्रूव करना है। फैक्ट इन इशू जो है वो विवाद का जड़ है, झगड़े की जड़ छोड़ दीजिए, विवाद का जड़ है, जिसके नाम पे सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट डालते हैं ना, तो जिसके चलते जो कुछ बोन ऑफ कंटेंशन है, जो झगड़े की वजह है, जिस पर दोनों में डिस्प्यूट है, अगर दोनों में डिस्प्यूट नहीं है तो फैक्ट इन इशू नहीं है। एलिगेशन ये है कि 10 लोगों ने मिल करके एक आदमी को चाकू मारा, अगर दूसरी पार्टी ये कहती है कि हाँ 10 आदमी तो थे बट चाकू मैंने नहीं मारा, तो 10 आदमी थे ये अब फैक्ट इन इशू नहीं रहा क्योंकि दोनों एग्री हो गए। फैक्ट इन इशू क्या है, उसको चाकू मारा गया, वो जिंदा है चाहे मर गया है, दैट इज अनदर इशू। तो फैक्ट इन इशू का मतलब यह है कि जिस सब्जेक्ट पर, जिस चीज को लेकर के कोर्ट में विवाद है, उसको फैक्ट इन इशू कहते हैं।
इलस्ट्रेशन देखते हैं। परफेक्ट इन इशू जब भी होगा तो किसी न किसी कारण को किसी चीज को, ये चीज है एग्जिस्टेंस में है, ये चीज नॉन एग्जिस्टेंस में है, ये राइट मेरी है, ये राइट इनकी है, ये लाइबिलिटी मेरी है, ये लाइबिलिटी मेरी है, ये डिसेबिलिटी उनकी है, ये एबिलिटी मेरी है। इसी बेसिस पे एक आदमी एसर्ट करता है, एक आदमी डिनाई करता है। तो एक आदमी एसर्ट करेगा, एक आदमी डिनाई करेगा, वो फैक्ट इन इशू हो गया। आई इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, फैक्ट इन इशू हो गया, क्या मर्डर ऑफ बी बाय ए। एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू दैट ए कॉज्ड बीज डेथ। अब ए इज अक्यूज्ड ऑफ द बीज डेथ, इसमें क्या क्या फैक्ट इन इशू हो सकते हैं। ए कॉज्ड बी डेथ, क्या बी ए ने बी को मारा, ये फैक्ट इन इशू हो गया। दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, क्या ए की मंशा थी, इंटेंशन था, इरादे थे बी को मारने की, ये फैक्ट इन इशू हो गया। दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, बी ने बहुत गुस्सा दिलाया, क्रोध दिलाया, कुछ भड़काने वाली बात कही और ए क्रोध में आकर के उनको मार दिया, ये भी फैक्ट इन इशू है। That A at the time of doing the act which caused B's death was by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing its nature. ऐसा तो नहीं कि A को कुछ बुद्धि नहीं थी, A पागल था और उसने पागलपन में B को मार दिया। ये सब चीजें fact in issue में आएंगी। एक ही main issue होगा, उस main issue के अगल बगल में बहुत से सब issues होंगे, वो सारे main issue और सब issue ये fact in issue में आएंगे। मुझे लगता है कि फैक्ट इन इशू आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। फैक्ट इन इशू का मतलब कि विवाद किस चीज पर है, यहां पर बता रहे हैं कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी, विवाद ये है कि ए ने बी को मारा है, ये प्रूफ करना है। तो ए ने बी को मारा है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ये सब फैक्ट इन इशू हो गया। फैक्ट इन इशू इन सिविल प्रोसीडिंग्स इट इज identifiable from the pleadings, the whole point of each which is to set out the party's allegations, admissions and denies, matter which are left of any dispute. जब आप सिविल केस फाइल करते हैं तो उसमें प्लीडिंग डालते हैं, रिटन स्टेटमेंट डालते हैं, ये सब चलता है। तो जो कुछ भी प्लीडिंग में आपने डाला है, 8 पैरा, 9 पैरा, 10 पैरा, जो कुछ भी पैरा आपने डाला है प्लीडिंग में, वो सब फैक्ट इन इशू है। क्योंकि ये सारी चीजें आप चैलेंज कर रहे हैं कि ये मेरे फेवर में है और अनदर पार्टी डिनाई कर रही है। अनदर पार्टी डिनाई नहीं करती तो शायद कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जब आप कोर्ट में गए हैं तो 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, जितने भी आप पॉइंट लेकर गए हैं अपने प्लीडिंग्स में, अपना प्लेंट जो डालते हैं उसमें, वो सब फैक्ट इन इशू हो गया। जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बात करते हैं तो वेन एवर There is a plea of not guilty, everything is an issue. कहने का मतलब कि जो कुछ भी चार्ज में चार्ज रेज किया गया और आप कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं किया, फैक्ट इन इशू है वो। अगर आपने कह दिया हाँ हाँ हमने, आपने प्ली गिल्टी कर दिया, मतलब अगर आपने गलती अपनी मान ली तो वो फैक्ट इन इशू नहीं रहा, अब उसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं, वो तो आपने मान लिया। जो आप नहीं मानते हैं, जो एलिगेशन है और जो डिनायल है, इनको हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। इसके बाद से डॉक्यूमेंट, एविडेंस एक्ट का ऑलमोस्ट आधा पार्ट हमें डॉक्यूमेंट के रूप में पढ़ना है। आई थिंक सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 90A तक, सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 90A तक हमें डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ना है। तो ये जानना जरूरी है कि डॉक्यूमेंट होता क्या है। बहुत ही छोटा चीज है, समझिए। डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दीज मींस इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। अब हम इसको तोड़ते हैं। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, मतलब कुछ भी, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट मटेरियल जो किसी भी चीज पर अंकित है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो,
नोटबुक हो, बुक हो, डायरी हो, दीवार हो, पहाड़ हो, जमीन हो, पेड़ हो, वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिस पर कुछ लिखा जा सकता है बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, चाहे आपने अल्फाबेट्स लिख करके बताया हो, ही किल्ड मी, ही इज किलिंग मी, ही इज डिमांडिंग मनी, वे मुझे मारना चाहते हैं, जिस भाषा में लिखना चाहते हैं उस भाषा में, पेड़ में लिखिए, जमीन पर लिखिए, पत्थर पर लिखिए, चौक से लिखिए, पेन से लिखिए, मार्कर से लिखिए, पिक्चर्स में तो ब्लड से भी लिखा जाता है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो लिखने लायक है उस पर अगर आप लेटर से चाहे फिगर से, कई बार फिगर बना करके भी एक्सप्रेशन किया जाता है और उसको इंटरप्रेट किया जाता है, और मार्क कुछ कई बार मार्क भी होगा, एक आदमी को फोटो बनाइए, उसके हाथ में चाकू बनाइए, उस चाकू पर ब्लड लगा दीजिए, देखिए समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग क्या होता है। और मोर देन वन ऑफ दीज, और सबके कॉम्बिनेशन मिला करके भी इंटेंडेड टू बी यूज्ड, किस लिए लिखा गया है, आपका पर्पस ये है कि जो इसको देखे वो समझ जाए कि लिखना क्या चाहते हैं, चाहे उसको बाद में यूज किया जा सकते हैं, सबको डॉक्यूमेंट करते हैं। जो कुछ भी हमने लिखा है, जो कुछ भी आपने लिखा है, चाहे किसी भी चीज पर लिखा हो, कंप्यूटर में लिखे हैं, डिजिटल बोर्ड पर लिखे हैं, बोर्ड पर लिखे हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, पेपर पेन से लिखे हैं, जहां कहीं भी लिखे हो और जिस किसी भी चीज से लिखे हो और जो कुछ भी लिखे हो, चाहे लेटर हो, अल्फाबेट्स हो, फिगर्स हो, मार्क्स हो, या मिला जुला करके सब कुछ, ये सब डॉक्यूमेंट में आते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या है, राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, आपने किसी को लेटर लिखा है, डॉक्यूमेंट हो गया। वर्ड्स, प्रिंटेड लिथोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स आर डॉक्यूमेंट्स, आपने कोई फोटो प्रिंट किया, चाहे मार्क किया, चाहे बनाया, वो डॉक्यूमेंट हो गया। अब मैप और प्लान इज डॉक्यूमेंट, एक मैप मिला, चाहे एक वो प्लान मिला, पीएफआई का प्लान सुनने में आया कि बिहार में मिला है, तो ये सब डॉक्यूमेंट हुआ। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टोन इज ए डॉक्यूमेंट, चाहे आप मेटल प्लेट, लोहे पर, स्टील पर, एल्यूमिनियम पर, बर्तन खरीदते समय भी लोग कुछ लिखवाते हैं, वो डॉक्यूमेंट हो गया। स्टोन पर भी लिखवाते हैं, डॉक्यूमेंट हो गया। ए कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर का मतलब होता है कार्टून, आजकल बच्चे बहुत कार्टून देखते हैं, तो कुछ कार्टून जैसा आपने बना दिया वो भी एक डॉक्यूमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप लिख सकते हैं और जिसको ह्यूमन पढ़ सकता है वो सब डॉक्यूमेंट में आता है। जो कुछ भी आप लिख सकते हैं और जो अपने आप बना है नहीं आता डॉक्यूमेंट में। मान लीजिए कि कहीं से बुलेट फायरिंग हुई और जाकर के स्टोन पर ऐसे जाकर के लग गई, वो जीरो बना रही है मान लीजिए, चाहे पॉइंट बना रही हो, वो अपने आप हुआ है, दैट इज नॉट डॉक्यूमेंट। और आपने कुछ ऐसा, मान लीजिए आपके पास स्टेन गन है और आप दीवार पे चाहे पत्थर पे आप कुछ लिखना चाहते हैं, इंटेंशनली यू आर डूइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर गोइंग टू राइट हियर, व्हेन यू आर राइटिंग दैट इज अ डॉक्यूमेंट, व्हेन इट इज ऑटोमेटिकली डन इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट। So, अगर कहीं से भी आया, ऐसे चाकू आया और चाकू आकर के दीवार पर ऐसे लग गया, ये रिटेन नहीं हुआ। लेकिन अगर चाकू से आपने दीवार पर खुरद घुरेद करके कुछ लिखना शुरू किया, वो डॉक्यूमेंट हो गया। ये एग्जामिनर जो होते हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो कुछ भी इंटेंशनली लिखा गया है, बनाया गया है, फोटो किया गया है, ये सब डॉक्यूमेंट में आते हैं। और जो अपने आप ही हुए हैं, पर्पस ही नहीं उसका कुछ, अगर पर्पस नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्यूमेंट पे आएगा। इविडेंस, इविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं तो इविडेंस तो जानना हमें जरूरी है कि इविडेंस को कहते, किसको कहते हैं। तो इविडेंस, इविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स व्हिच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। स्टेटमेंट कैसे होता है, मुंह से होता है, ओरल होता है। तो वन का मतलब कि वो सारे ओरल स्टेटमेंट जो कोर्ट परमिट करती है
आप किसी विशेष केस में ये बोलिए, आप कुछ भी बोलेंगे तो कोर्ट परमिट नहीं करेगी, रिलेवेंट चीजें बोलते हैं वो। तो इसलिए कोर्ट वो सारी चीजें, ओरल स्टेटमेंट जो सारी चीजें कोर्ट परमिट करती है उनको एविडेंस कहते हैं। All documents including electronic records produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence. So, पहला जो है oral evidence हो गया, जिसको by way of expression by your mouth you are expressing before the court. Court मतलब judge साहब, court का मतलब magistrate साहब। दूसरा चीज, जो कुछ भी document आप चाहे including electronic form, year 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया और उसके आने के बाद से जहां जहां डॉक्यूमेंट है वहां वहां इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी ऐड कर दिया गया है। सो चाहे वो रिटेन डॉक्यूमेंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, ये जो कुछ भी आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं इंस्पेक्शन के लिए वो सब डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है। चाहे आप बोल के कुछ प्रोड्यूस करें चाहे आप लिख के प्रोड्यूस करें, जो कुछ भी कोर्ट के सामने आप प्रोड्यूस करते हैं वो सारे एविडेंस है। तो मोटे तौर पे एविडेंस दो तरह के हो गए, ओरल एविडेंस, रिटेन एविडेंस। तो रिटेन को डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दो तरह के एविडेंस हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन्हीं दो के बेसिस पे, ओरल एविडेंस में है 59 और 60, सेक्शन 59 और 60 में ओरल एविडेंस के बारे में, और 61 से लेकर 98 तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। तो इनकी विशेष चर्चा यहाँ पे होने वाली है, क्वेश्चन पेपर भी इनसे भरा रहता है, ओरल डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या क्या आता है। उसके बाद से लॉ ऑफ एविडेंस में ये तीन चीजें आपको समझना जरूरी है, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। ये तीन टर्मिनोलॉजी साथ में समझना है, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। देखते हैं बेयर एक्ट क्या लिख रहा है, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. आपने कुछ एलिगेशन लगाया, कोर्ट ने बोला प्रूव कीजिए, आपने ओरल एविडेंस से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से आप प्रूव करने की कोशिश की है। अगर कोर्ट को लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, कोर्ट को अगर लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में है और प्रोबेबली एग्जिस्टेंस में है, कई बार 100% प्रूफ होता है, कई बार 90% प्रूफ होता है, बाकी कोर्ट को लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये नियर टू द प्रूफ है। तो ऐसी सारी चीजें जब कोर्ट को लग जाए कि हाँ ये एग्जिस्टेंस में है, आपने जो एलिगेशन लगाया अगर आप उसको प्रूव करने में सक्सीड हो गए, कोर्ट ने एग्री कर लिया कि हाँ आपने जो एलिगेशन लगाया वो सही है, प्रूव्ड हो गया, जो कुछ भी एलिगेशन था उस एलिगेशन के सपोर्ट में जो भी एविडेंस दिया गया और उससे कोर्ट को लगता है कि हाँ ये बातें सही है, प्रूव्ड हो गया वो। Disproved fact is said to disproved when after considering the matter before it, the court either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist. पहला जो था, court को लगता है कि हाँ ये बातें है, सही है, prove हो गया। दूसरे में यह है कि आपने एलिगेशन लगाया, एलिगेशन लगाने के बाद से आपने जो कुछ भी एविडेंस चाहे ओरल एविडेंस चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस किया, कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, कोर्ट को लगता है कि आपका एलिगेशन सही नहीं बैठ रहा है, या तो कोर्ट को 100% लग गया कि नहीं नहीं आप गलत है, और नहीं तो कोर्ट को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट मैन ऐसा सोचेगा कि नहीं नहीं ये जो कहानी बना रहा है ये इसमें कहानी एकदम नहीं है। तो अगर आप अपने एलिगेशन को प्रूव करने में फेल हो गए,
आपने जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया, जो कुछ भी आपने फैक्ट इन इशू बनाया, चाहे वो सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, तो जो भी आपने एलिगेशन लगाया उस एलिगेशन को अगर आप प्रूव नहीं कर पाए, कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे डिसप्रूव्ड। अगर आपने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया तो प्रूव्ड हो गया, अगर कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, अगर प्रूव नहीं कर पाए, या तो आप प्रूव करेंगे तो प्रूव्ड हो गया, और प्रूव नहीं कर पाए और कोर्ट को लगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, जैसे कोर्ट को लगा कि ये सही नहीं है वो डिसप्रूव हो गया, तो प्रूव्ड का अपोजिट डिसप्रूव्ड हो गया। नॉट प्रूव्ड, अ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। बहुत से इशू ऐसे होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, ये दोनों पार्टी मिल करके भी न प्रूव कर पाते हैं न डिसप्रूव कर पाते हैं। कोर्ट में जो कुछ भी है उसको प्रूव तो करना ही है ना, तो या तो आप प्रूव भी नहीं कर पाते, दूसरा डिसप्रूव भी नहीं कर पाता, वो पेंडिंग में चला रहता है, कोर्ट को समझ में नहीं आता कि ये सही है कि गलत है, और जब तक ये स्टेट है तब तक नॉट प्रूव्ड उसको कहा जाएगा। अगर आपने जो भी एलिगेशन लगाया था उसको अगर आप प्रूव कर लेते हैं तो प्रूव्ड हो गया, अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं तो डिसप्रूव हो गया। और सिचुएशन ऐसा है कि वो कोर्ट को लगता ही नहीं है कि ये प्रूव हो रहा है कि डिसप्रूव हो रहा है, ऐसे भी सिचुएशन आते हैं। तो जो डिलेमा वाला सिचुएशन है, जहां पर कंफ्यूजन है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे क्लियर हो जाएगा वैसे जजमेंट हो जाएगा। जजमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि कोर्ट किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही है, ये आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं प्रूव कीजिए, ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं आप प्रूव कीजिए। ना फर्स्ट पार्टी प्रूव कर पाती है कि वो सही है, ना सेकंड पार्टी प्रूव कर पाती है कि वो गलत है, और कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता है। तो जब कोर्ट किसी भी एक 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 आउटकम पे नहीं पहुंचेगा, एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेगा, अगर कोर्ट किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता तो दैट स्टेट इज नोन एज नॉट प्रूव्ड। इनमें थ्योरिटिकल पार्ट के लिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस भी आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि प्रूव्ड डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड में क्या डिफरेंस है। द टर्म प्रूव्ड इज पॉजिटिव, प्रूव्ड मतलब आपने साबित कर दिया पॉजिटिव है, डिसप्रूव्ड जो है निगेटिव है, और नॉट प्रूव्ड जो है एक न्यूट्रल है, प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड के बीच का है, कुछ आपने नहीं किया। When fact is proved, the court gives judgment in favor of the person who has proved. जिन्होंने प्रूव किया है उनके फेवर में डिसीजन जाएगा, अगर प्रूव्ड है तो। डिसप्रूव्ड होगा तो when the fact is disproved, no further question arises as to its proof. जब डिसप्रूव हो गया तो कहानी खत्म हो गई, केस वहीं पे खत्म हो गया। When the fact is not proved, it implies further evidence either to prove or disprove it. जब तक प्रूव नहीं हुआ है, चाहे जब तक डिसप्रूव नहीं हुआ है तब तक वो केस चलता रहेगा, इट इज ओपन फॉर द फर्दर एविडेंस। इससे ज्यादा कुछ और एविडेंस की जरूरत है जिससे हम प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड डिसप्रूव्ड में ला सके। तो नॉट प्रूव्ड एक डिलेमा, एक ओपन सिचुएशन है जहां पे इट डिमांड्स फर्दर एविडेंस टू आइदर प्रूव इट और डिसप्रूव्ड इट। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, छोटा सा इंटरप्रिटेशन क्लॉज था, हमें वो पूरी उम्मीद है कि आपने बढ़िया से समझा होगा। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारे टर्मिनोलॉजी जो है इसके बाद हम यूज करने वाले हैं।